हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डब में पालक लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के मैं पतला पतला सबको काट लूँगी। ये पालक मैं काट लेती हूँ, मैं इसको पतला पतला ही काटना है। चलिए, मैंने यहाँ पे पालक को काट लिया है। बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। अब मैं यहाँ पे एक प्याज ले रही हूँ, जिसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। देखिए, मैं इसे सब पतला पतला काट रही हूँ। अब से 5 मिनट में नाश्ता को बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक टमाटर ले रही हूँ, जिसको मैं काट लेती हूँ। देखिए, मैं इसको भी पतला पतला काट लूँगी। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, बहुत जल्दी भी बन जाता है। चलिए, मैं इसको भी काट लेती हूँ पतला। आप इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अब मैं यहाँ पे एक गाजर ले रही हूँ, जिसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे बारीक काट भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेट कर ले रही हूँ, आप अपने पसंद से बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और मैं हरी मिर्च लहसुन भी काट लेती हूँ। दो कलियाँ लहसुन का है, मैं काट लेती हूँ पतला पतला सा। तो टेस्टी है और हेल्दी रेसिपी है बहुत। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस घर के ही सामान से बन जाएगा ये। और मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च काट रही हूँ। चलिए, मैं अब बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसीलिए मैं सब सब्जी को पहले ऐड कर लेती हूँ बॉल में। और मैं यहाँ पे गाजर, टमाटर, प्याज, जो भी सब सब्जी काटा है सब ऐड कर लेती हूँ। मसाले में ऐड कर लेती हूँ। पहले थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च की पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर, नमक आप प्लेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। सब सब्जी को मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। ये मेरा मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे 1/2 कप ले रही हूँ बेसन। आप इसको गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। ज़्यादा हमें पतला इसका गोल नहीं बनाना है। देखिए, बस हमें इतना ही चाहिए। मेरा परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बस 1 चम्मच ही ऑयल डालूँगी, तेल। इसीलिए मैं फैला लेती हूँ इसको। आप यहाँ पे तवा पर भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवा पर भी। मैं यहाँ पे 1-1 चम्मच बेटर को डाल देती हूँ। हमें यहाँ पे रोटी का शेप में इसको फैला लेना है। देखिए, मैंने इसको फैला लिया है। आप यहाँ पे अपना पसंद से बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। देखिए, हमें बस इतना ही रखना है, ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। हम ढक के 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। देखिए, मैं 2 मिनट छोड़ चुका है, मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसे साइड में भी ऑयल लगा लेती हूँ, देख रही हूँ पलट के हो रहा है कि नहीं। देखिए, मेरे इसलिए ये पलट चुका है। मैं फिर से ढक के 1 मिनट के लिए पका लूँगी। देखिए, मेरा बहुत अच्छे से ये दोनों तरफ से पक चुका है। बहुत हेल्दी भी नाश्ता है। देखिए, आप बच्चों को जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद से खाएंगे इनको। फिर से मैं 1 चम्मच तेल डाल दूँगी, ग्रीस कर लेते हैं। उसमें 1 चम्मच बेटर डाल दूँगी। आप बड़ा छोटा होने से आप 2 चम्मच यहाँ पे बेटर डाल सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा अंदर से। मैंने सबको फैला लिया है। फिर मैं यहाँ पे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। ठीक है, मेरा यहाँ का भी पक चुका है साइड का। मैं इसको पलट लेंगी। ठीक है, मैं इसलिए पलट चुका है।
देखिए मेरे यहाँ से करीब बहुत क्रिस्पी होना है ये साइड का, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी इस साइड का। बहुत हेल्दी नाश्ता है गाइस, आप जरूर ट्राई करना। देखिए बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, इसे लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में बना सकते हैं। देखिए मैंने कितना जल्दी से बना लिया ये, बहुत क्रिस्पी बना है। देखिए मैंने सबको बना लिया है ये, बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में आप जरूर ट्राई करना या सुबह का ब्रेकफास्ट में। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें, बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, ज़रा जरूर ट्राई करना। देखिए मैंने सबको बना लिया है। इस नाश्ता को बनाने में ना हमें आटा लगाने की ज़रूरत है ना बेलने की ज़रूरत है। आप इसे पूरे परिवार के लिए नाश्ता आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।